अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एग सैंडविच। और एग सैंडविच की जो ये रेसिपी है बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, कि आप इसे कहीं पे भी स्नैक्स के तौर पे या लंच के तौर पे, लंच से मीन्स जैसे ऑफिसेज वगैरह में या बच्चों को दिया जाता है उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं अब शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ उसके लिए जो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले ये मैं बता दूंगी, ये 4 से 6 स्लाइसेस, डिपेंड ऑन योर फिलिंग कि आप कितनी फिलिंग करते हैं उस हिसाब से आपको इसकी इंग्रेडिएंट चाहिए होंगी, और सॉरी ब्रेड चाहिए होगी। तो मैंने यहाँ पे 4 पीसेस लिए हैं, 6 भी ले सकते हैं। मैं मिक्स करूंगी और उसके बाद देखेंगे इसमें जितने सैंडविच बन जाए, दो से तीन सैंडविच बनेंगे इसमें, यानी कि 4 to 6 ब्रेड स्लाइस यूज होंगे। साथ 2 एग मैंने लिए हैं, उसके लिए 4 से 6 स्लाइसेस, ठीक है। और इनको अच्छी तरह से हार्ड बॉइल्ड कर लेना है आपने, और उसके बाद मैश कर लेना है बिल्कुल। और साथ बटर या मार्जरीन आपको जो भी पसंद हो, मैंने यहाँ पे ये मुझे बहुत पसंद है इसका फ्लेवर, मार्जरीन यूज कर रही हूँ, जो कि मैं आमतौर पे नहीं करती, मैं आमतौर पे बटर ही यूज करती हूँ, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आपने जो भी इसमें इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट इसका बताती हूँ, ये अंडों को मैं मैश करती हूँ और टू दी टेस्ट ब्लैक पेपर एंड साल्ट ऐड करती हूँ, साथ आपको असेंबल करके इसमें शो करती हूँ। ये देखें, अच्छा ये देखें, मैंने नमक और काली मिर्च डाली और 1 चम्मच मार्जरीन डाला, अंडों को मैश कर लिया था, उसके बाद सबको मिक्स किया है और इनको मैंने फ्रिज में रखा है 10 मिनट के लिए, फॉर 10 मिनट्स मैंने इसे फ्रिज में रखा। उसके बाद अब मैं इसको फिल करूंगी सैंडविचेस के अंदर, यानी कि ब्रेड के अंदर, और सैंडविच बनाएंगे। अच्छा, ये हमने ब्रेड के कॉर्नर्स हमने काट लिए हैं, आप चाहें तो उसको वैसे भी रख सकते हैं। बटर या मार्जरीन जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल करें, और साथ थोड़ा सा आपने इसके ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर भी हमने डाला हुआ है, कि अंडा हमारा बिखरे ना लग के, इसलिए हमें उसमें ज्वाइन करने के लिए उसको डालना पड़ता है। लेकिन आप देखिएगा, इंशाल्लाह ये बड़े जबरदस्त आपके बनेंगे। रात को बना के फ्रिज में रखें और बच्चों को साथ दे दें, ये बड़े मजे से बच्चे खाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इफ्तारी में करें आप, स्नैक्स टाइम में आप, शाम के टाइम, टी टाइम जो होता है उसमें भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये लगा लिया है, थोड़ा सा मार्जरीन मैं दूसरे ब्रेड पे पीस पे लगाती हूँ, बहुत ज्यादा ना लगाइएगा, वो फ्लेवर फिर बहुत हैवी हो जाता है मार्जरीन या बटर का, ठीक है। इस तरह से मैं बाकी बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे एग सैंडविच रेडी हो गए, और इसको जरूर 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 ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत ही आसान है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बड़े भी। और रमजान के लिए ये बहुत अच्छी आपका एक स्नैक होगा, जो कि आप इफ्तारी में बना सकते हैं, सहरी में भी बना सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मैं मजीद अच्छी रेसिपीज के साथ फिर आऊंगी। चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और आगे भी ये रेसिपीज अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।